नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शराब के नशे में धुत लखीमपुर खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर अरुणेंद्र त्रिपाठी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल लखीमपुर खीरी में जिले नीमगांव थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद पुलिस चौकी क्षेत्र में लखीमपुर से मोहम्मदी जाने वाले स्टेट हाईवे पर अंडर ट्रेनी सीओ प्रवीण यादव की बुलोरो कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिस वक्त सड़क दुर्घटना में घायल हुए अंडर ट्रेनी सीओ प्रवीण यादव को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, उसी दौरान लखीमपुर खीरी जिले में तैनात सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी भी शराब के नशे में धुत होकर मौके पर पहुंच गए। इस दौरान सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी ने वीडियो बनाकर पत्रकारों के मोबाइल पर झपट्टा मार अभद्रता की। गाजियाबाद में प्रस्तावित थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में पंचशील सोसाइटी में कुत्तों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुत्ते ने 8 साल के मासूम पर हमला कर उसको बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने के दौरान लोगों ने बिल्डर और गेटमैन के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं मौके पर पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, कुत्तों का आतंक देखने को मिला है, कुत्तों ने 3 साल के मासूम पर हमला किया है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मयूरी, आपको बता दूं, गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक जो पंचशील सोसाइटी है वहां पर अभी बीते दिनों ही एक बच्ची के ऊपर कुत्तों ने हमला किया, जिस तरह से वो बुरी तरह से घायल हो गई और लगातार इस तरह से जो आतंक है जो कुत्तों का गाजियाबाद में देखने को मिला है। आपको हाल फिलहाल में ये मामला बता दूं, गाजियाबाद में कई ऐसे मामले सामने देखने को मिले जो पार्क में एक जो कुत्ते को बच्चे को काटा कुत्ते ने, जिस तरह से उसके पूरे चेहरे पे जो स्ट्रेचेस आए थे, टाके आए थे, काफी भयानक थे वो टाके देखने के। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो कुत्तों का आतंक लगातार गाजियाबाद में देखने को मिला है, इसके लिए लगातार जो 3 जो ब्रीड है कुत्तों की उनको उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया है कहीं ना कहीं। लेकिन जो आवारा कुत्ते हैं जो रोड पर टहलते रहते घूमते रहते हैं उनको लेकर खासा लोग परेशान है, क्योंकि लगातार उनके बच्चे जो है वो टहलते निकलते हैं बाहर अपने घूमने के लिए, तो लगातार उनके ऊपर हमला करना, उनके ऊपर उनको काट लेना, तो कहीं ना कहीं इस तरह से लोग खासा परेशान हुए, जिसको लेकर उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन किया और अभी भी वो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। रोड जाम कर रखा है पब्लिक ने और जिस तरह से वहां पर पुलिस भी समझाने का प्रयास कर रही है, वहां पर नारेबाजी की जा रही है और जो मेयर है यहाँ की जो आशा शर्मा उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, यहाँ के जो सांसद है जनरल वीके सिंह उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन वहां भारी मात्रा में मौजूद है और जो सोसाइटी के लोग हैं उनको समझाने की कोशिश भी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से मामला लगातार गाजियाबाद के अंदर में देखने को मिल रहा है कुत्ते को लेकर, जो कुत्ते काटने को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोग इससे खासा परेशान है, जिसको लेकर जब प्रशासन शासन से कोई उनको उम्मीद नहीं नजर आ रही तो उसके बाद उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन दिया है और लगातार रात से लेकर अब तक वो लोग अभी भी धरने पर बैठे हैं। जी मयूरी, प्रवीण, ये एक बड़ा मामला है, मासूम बच्चे पर कुत्ते का हमला हुआ है और लोग सोसाइटी का मामला है जिसमें लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो किसकी लापरवाही सामने आई है? देखिए, लापरवाही की अगर बात की जाए तो नगर निगम की लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि अगर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं तो उनके लिए एक जो नगर निगम से नियुक्त गाड़ी होती है जो कि कुत्तों को वहां से जो आवारा कुत्ते हैं उनको ले जाकर कहीं रखा जाता है नगर निगम द्वारा, तो इस तरह से जो कुत्ते हैं जैसे जो काटने वाले कुत्ते हैं या कहते हैं कि जो जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है कुत्तों की, तो वो भी थोड़ा पागल टाइप में हो जाते हैं, तो इस तरह से जो कुत्ते घूमते हैं रोड पर उनका उनके ऊपर खासतौर पर नगर निगम को सोचना चाहिए, जो कि क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर बच्चे घूमते हैं और हालांकि कभी कुत्ते जो हैं वो सोसाइटी के अंदर भी प्रवेश कर लेते हैं जो आवारा कुत्ते हैं खासतौर पे। बात करें पालतू जानवरों की तो लोगों को अभी भी कई लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस जो जिस तरह से कुत्ते पालते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जागरूक होना पड़ेगा। एक मास्क जो होता है जो कुत्तों को कुत्ते के लिए ही बनाया जाता है, उस तरह का मास्क उसको पहनाकर बाहर जब टहलाने के लिए निकले या मल जब वो शौच के लिए उसको लेके जाते हैं तब उसके लिए मास्क का प्रयोग करें, तो ऐसे कई सारे नियम है जो नगर निगम ने बनाए भी है। उस पर प्रावधान पहले 5,000 रुपए का जुर्माना था, लेकिन अब जो 3 ब्रीड थी जिस तरह से एक खतरनाक ब्रीड थी उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई, तो ऐसे ही 3 ब्रीड के जो है गाजियाबाद के अंदर उनके ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। लेकिन जो अब जो आवारा कुत्तों की बात कही जा रही है जिसमें कि वो 3 साल की बच्ची के जो जख्मी किया गया है, तो ये काफी बड़ा मामला है गाजियाबाद का। जी जी प्रवीण, ये बिल्कुल बड़ा मामला है और इस पूरे मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है या अभी की जा रही है?
देखिए अभी तो नारेबाजी हो रही है वहां पर, जिस तरह से जो सोसाइटी के जितने भी जो रहते हैं वहां पर लोग सभी, वहां से महिलाओं से लेकर पुरुष तक सभी लोग वहां बैठे हुए धरने पे। हालांकि अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं वहां पर, लेकिन कार्रवाई कैसे होगी कब होगी ये थोड़ा सोचने वाली बात होगी। थोड़ा समय हो सकता है लगेगा क्योंकि प्रशासन वहां पहुंचा हुआ है, पुलिस वहां समझाने का प्रयास कर रही है क्योंकि यातायात प्रभावित हो रहा है वहां पर। जो रोड है लोग वहां पर अपने ऑफिस के लिए निकलने के लिए थोड़ा परेशान हो रहे हैं क्योंकि रोड बहुत सकरा है और वहां रोड के किनारे बैठ कर जिस तरह से धरना दिया जा रहा है जो सोसाइटी के लोगों द्वारा, तो कहीं ना कहीं देखिए मांग अगर उनकी नहीं मानी जाती है, इन कुत्तों पे जो है इन पर प्रतिबंध नहीं लगता है, इनके इनके इनकी जो मांगे हैं उनको नहीं मानी जाती, तो ऐसे लगातार उनका सोसाइटी वालों का कहना है कि वो निरंतर ऐसे बैठे रहेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। जी धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला है। भारत जीता तो फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला होगा। आज का मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वहीं इस मैच को जीतने वाली टीम 13 नवंबर को फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेलेगी। टीम इंडिया 8 साल से किताबी मुकाबले में नहीं पहुंची है। पिछली बार 2014 में उसे श्रीलंका ने फाइनल में हराया था। वहीं इंग्लैंड को 2016 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल में हार मिली थी। और पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत इंग्लैंड के साथ खेलेगी, कितना दिलचस्प रहने वाला है ये मुकाबला? जी देखिए मयूरी, बिल्कुल दिलचस्प रहने वाला है और हम यहाँ पर देख रहे हैं पूरे देश में इस तरह माहौल इस तरह बना हुआ है कि भारतीय जो भारत है वो आने वाले समय में दोबारा विश्व कप जीतेगा। 2007 में जीते थे धोनी की अगुवाई थी, 2011 में जीते धोनी की अगुवाई थी, पर लगभग लंबा अंतराल हो गया है और भारत ने कोई भी बड़ी ट्रॉफी समय नहीं जीती, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, चाहे एशिया कप की बात करें, चाहे आपका 2019 का वर्ल्ड कप की बात करें, चाहे उसके पहले का 2017 का आपका T20 विश्व कप की बात करें, 21 की T20 विश्व कप की बात करें, तो भारत हमेशा है खिताबी मुकाबले हारता चला आ रहा है। कहीं सेमीफाइनल में हारता है तो कहीं दौर से बाहर हो जाता है, पर यहाँ पर सुखद एहसास है और सुखद एहसास इस समय भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में है कि यहाँ पर भारत इंग्लैंड से जीते एडिलेड में और वहाँ पर 13 नवंबर को अपने स्थिर प्रतिद्वंदी यानी पाकिस्तान के साथ खेले और उसको हरा कर इस बार का T20 विश्व कप जीते। निश्चित रूप से एक लहर भी देश में चल रही है, तमाम जगह पर पूजा अर्चना हो रही है। अगर हम काशी की बात करें वहाँ पर भी हवन हो रहा है और देश में एक अलग तरह का माहौल है और केवल एक ही बात आ रही, चक दे इंडिया और ये मैच जीत ले और पाकिस्तान से 13 नवंबर को भिड़न करे और विश्व कप को भारत में दोबारा लेके आए जो 2007 में धोनी लेकर आए थे। गौरव, कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है और अगर आज हम जीत जाते हैं तो फाइनल में पाकिस्तान के साथ मुकाबला होगा तो लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? यही उत्साह का कारण भी है और यहां तक कि कई जगह ये भी टैग चल रहा है कि प्रतिद्वंदी पाकिस्तान है, उनसे हारना नहीं है। लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि इंग्लैंड से भले ही हार जाओ पर अगर फाइनल में जा रहे हैं तो पाकिस्तान से नहीं आना है। और हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि विश्व क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा दिलचस्प माना जाता है और ये प्रथा सदियों चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत पाकिस्तान को मैच को लोग देखने जाते हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ के निवासी और खासतौर से हम अगर कहना चाहेंगे तो पूरे विश्व प्रदेश जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो यही चाहते हैं कि भारत इंग्लैंड को हराए और 13 नवंबर को पाकिस्तान से भिड़े। हालांकि भारत का पक्ष यहाँ मजबूत मैं जरूर मानूंगा क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को जो ग्रुप मैच उसमें भी हराया था। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के जो इन्फॉर्म बैट्समैन हैं, विराट कोहली की बात करूँ, लोकेश राहुल की बात करूँ या सूर्य कुमार यादव की बात करूँ, ये लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और रोहित शर्मा भी प्रयास करेंगे कि इस बार वो भी कुछ चमत्कार करें क्योंकि अगर हम देखें तो इस जो आपकी खिताबी मुकाबले लगातार चल रहे हैं ग्रुप में मुकाबला कोई विशेष काम नहीं कर पाया है, विशेष प्रदर्शन नहीं किया है, तो यहाँ पर रोहित शर्मा से भी उम्मीदें रहेंगी और रोहित शर्मा भी चाहेंगे क्योंकि उनका अगर रिकॉर्ड की बात करें तो उनका रिकॉर्ड फिलहाल धोनी से बेहतर है T20 क्रिकेट में, तो यहाँ पर भी धोनी रोहित शर्मा चाहेंगे कि धोनी के जो रिकॉर्ड है उसको एक रिकॉर्ड को बराबर करें कि धोनी ने अपनी कप्तानी की अगुवाई में भारत को 2 विश्व कप जिताए थे, 2007 में T20 विश्व कप और दूसरा 2011 में
आपका विश्वकप क्रिकेट वनडे विश्वकप जिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर उम्मीद जरूर रहेगी और देश में माहौल भी ऐसा है। और चूंकि यहाँ पर इंग्लैंड का मुकाबला है तो भारतीय टीम कागजों पर ही नहीं बल्कि धरातल पर ही मजबूत नजर आ रही है। फिलहाल मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, एडिलेड में कुछ समय बाद मुकाबला शुरू होगा और ये बात स्पष्ट करती है कि ये मुकाबला भी महत्वपूर्ण है और आने वाला मुकाबला 13 नवंबर का अगर भारत जीतता है तो वो भी महत्वपूर्ण होने वाला है क्रिकेट प्रेमियों की नज़र से। तो गौरव, सेमीफाइनल में आज भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला है जो काफी दिलचस्प रहने वाला है, तो क्या लगता है अगर भारत टॉस जीतता है तो क्या चुनेगा पहले? देखिए, भारत का टॉस जीतता है तो निश्चित रूप से नमी का फायदा उठाना चाहेगा और जहाँ तक मुझे जो लगता है वो भारत यहाँ पर बैटिंग ना करके बॉलिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि भारत हम लगातार देख रहे हैं चेज कर सकता है और बैट्समैन अच्छे हैं और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण गेंदबाजों की कमी के कारण भारत की गेंदबाजी आक्रमण अगर देखें तो इंग्लैंड के मुताबिक थोड़ा सा वीक जरूर है, पर यहाँ पर मेरा मानना है अगर टॉस जीतता है तो यहाँ पर बॉलिंग करेगा और इंग्लैंड को कम स्कोर पर रोककर फिर बैटिंग करेगा, क्योंकि बैटिंग अभी फिलहाल ताकत नजर आ रही है और मेरे ख्याल से फैसला यही लेना चाहिए अगर कप्तान रोहित शर्मा टॉस जीतते हैं। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।